हेलो फ्रेंड्स, सुमित स्पोर्ट्स क्लब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा शेड्यूल बताने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही इस बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते क्रिकेट का खेल ठप पड़ा है, लेकिन इस बीच फैंस के लिए बहुत अच्छी खबर आई है। भारतीय क्रिकेट टीम के इस साल के अंत में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। गुरुवार को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तीनों फॉर्मेट में होने वाली सीरीज के सभी मुकाबलों की तारीख और उनके आयोजन स्थल के नाम की घोषणा की। इस दौरे पर टीम इंडिया 3 T20, 4 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेलेगी। भारत का ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 मैच ब्रिस्बेन में 11 अक्टूबर को खेला जाएगा, दूसरा T20 मैच कैनबरा में 14 और तीसरा T20 मैच 17 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पहला टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में 3 दिसंबर से शुरू होगा, दूसरा टेस्ट मैच एडिलेड में 11 दिसंबर से खेला जाएगा और तीसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से मेलबर्न में होगा। सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 3 जनवरी से होगा। वनडे सीरीज का पहला मैच पर्थ में 12 जनवरी से होगा, दूसरा वनडे मेलबर्न में 15 जनवरी से खेला जाएगा और तीसरा वनडे सिडनी में 17 जनवरी को होगा। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार यह इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे का पूरा शेड्यूल है। साल के अंत में क्रिकेट प्रेमियों के लिए खुशखबरी है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया से क्रिकेट की वापसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे से क्रिकेट की वापसी करने जा रही है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये छोटी सी नॉलेज अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय।